चलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं केतन केमिकल्स के बारे में। यहाँ पे आज एक स्टॉक में एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है। बाकी इसके अलावा हम लोग कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कब रिजल्ट्स कंपनी के आने वाले हैं, ये डेट्स आ चुकी हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बात, कंपनी के हम लोग थोड़े से सपोर्ट्स पर फोकस कर लेते हैं। सपोर्ट्स कहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे सपोर्ट्स पर फोकस करें, सबसे पहले आपको मैं दिखाऊँ तो सपोर्ट जो है 75 पे एक सपोर्ट है। यहाँ पे यूजुअली क्या होता है ना कि कंपनी जब कभी भी फॉर एग्जांपल एक अच्छा खासा डाउनफॉल होता है और फिर वहाँ पे कंपनी एक बार कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेट करती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक जोन है जिसमें कुछ दिनों के लिए कंपनी कंसोलिडेट करेगी और फिर एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है स्टॉक में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग उसके उस हिसाब से अगर कंसोलिडेशन वाला जोन देखें तो ये वाला जोन जो है पूरा कंसोलिडेशन वाला जोन है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट है फिलहाल में, जो जिसको जिसको कंपनी अभी परफेक्टली स्टेबल करके चल रही है, वो है 75 का। उसके अलावा मैं यहाँ पे पर्सनली अगर जिसको बाइंग अगर करनी है, यहाँ से बाइंग कर सकता है। यहाँ से एक अच्छा खासा पोटेंशियल होगा स्टॉक में इसको ब्रेकआउट देने का, ठीक है। बाकी उसके अलावा जो उसका रेजिस्टेंस होगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो 81.25 होगा। और यहाँ से अगर हम टारगेट लेके चले तो यहाँ से अराउंड 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 कम से कम 6-7% का एक अच्छा खासा टारगेट, फर्स्ट टारगेट। और हमारा सेकंड टारगेट जो रहेगा वो ये रहेगा 11.53 पे जो होगा, जिसकी वैल्यू होगी 84.80, ठीक है। बाकी कंपनी के हम रिजल्ट की डेट्स की फोकस करें तो कंपनी के डेट्स जो है वो 5th of November है। 5th of November के जो रिजल्ट आ जाएंगे तो यहाँ पे उस दिन प्रोबेबली यहाँ पे एक कंपनी का अगर रिजल्ट अच्छे आए तो पे चांसेस है कि कंपनी में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी अगर खराब रिजल्ट आए तो कंपनी यहाँ पे सपोर्ट लेके नीचे भी आ सकती है। इसका जो नेक्स्ट एक लोकल सपोर्ट जो है वो ये भी है, ये तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट इसका लोकल सपोर्ट के बारे में डिस्कस करें तो 73.60 भी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग थोड़े से वॉल्यूम्स के बारे में फोकस करें तो वॉल्यूम्स जो कंपनी में काफी ज्यादा एक डाउन चले गए, मतलब कि रेड वॉल्यूम्स डाउन हुए हैं, मतलब कि इसका डायरेक्ट इंडिकेशन होता है कि स्टॉक में अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम आने के चांसेस हैं, ठीक है। बट डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट्स, क्योंकि अगर रिजल्ट्स अगर खराब आए तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम नहीं आएगा, अच्छे आए तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है स्टॉक्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट केतन केमिकल्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।